सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बेस्ट फाइव बाइक के एक और नई धमाकेदार वीडियो में। सो आज हम देखने वाले हैं एसुस की तरफ से आने वाला उसका बेस्ट सेलर फोन ROG 5। अगर हम हर साल की बात करें तो एंड्रॉयड इंडस्ट्री में ये हर साल नंबर वन फोन रहता है स्पेसिफिकेशंस के मामले में, एंड गेमर्स की तो ये जान है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसुस हमेशा से गेमिंग के लिए नंबर वन कंपनी रही है और हमेशा उसका बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ROG धमाका मचा देता है एंड्रॉयड इंडस्ट्री में, और वही उसने इस साल भी कर दिया। ROG 5 लॉन्च हो चुका है जैसा कि आप सब जानते हैं। सो आज हम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस की बात करने वाले हैं ROG 5 की। चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए हम अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्होंने बॉक्स बनाया अपना, और ये जैसे आप खोलेंगे बॉक्स को तो सबसे पहले आपको केस मिल जाएगा, और केस भी एकदम स्टाइलिश गेमर वाला केस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत छेद वगैरह करके एकदम अट्रैक्टिव केस बनाया। उसके अलावा जब आप फ़ोन देखेंगे तो आपको फ़ोन से प्यार ही हो जाने वाला है, इतना बेहतरीन लुक के साथ फ़ोन निकाला है। एकदम अग्रेसिव गेमर वाली लुक दे रहा है फ़ोन, जो कि पीछे पूरा ग्लास है। बॉक्स कंटेंट की अगर हम बात करें तो आपको एक USB-C केबल मिल जाएगी, एक 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। स्पेसिफिकली बॉक्स में AR ग्राफिक्स मिल जाएंगे, जिससे अगर आप अपने फ़ोन से उन्हें स्कैन करेंगे तो आप नए नए अलग अलग बढ़िया बढ़िया गेम खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी। सो फ़ोन जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। तो फ़ोन के हम कुछ सिनेमैटिक्स देखते हैं, पहले आपको भी फ़ोन बहुत पसंद आने वाला है, चलिए देखते हैं। सो चलिए बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। तो आप देख सकते हैं तो इसमें आपको 6.78 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसमें आपको 300 हर्ट्ज का टच रिस्पांस मिलेगा। फोन के पीछे आपको ROG की ब्रांडिंग दी गई है और ROG के साइन में आपको लाइट्स मिलेंगी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की जलेंगे, जो ROG का सिग्नेचर सब रहता है हमेशा की तरह उनके हर प्रोडक्ट में, ये आप देख सकते हैं। अगर हम फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आपको साइड में मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक बटन, उसके ऊपर आपको मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर, फिर ऊपर आपको गेमिंग के टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी मर्जी से आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि इस फोन को बेस्ट इन क्लास गेमिंग फोन बनाता है जैसा कि आप जानते हैं। इस फोन में आपको 2 चार्जिंग सी पोर्ट्स मिल जाएंगे जिससे आप गेम खेलते वक्त साइड से एंड नॉर्मली नीचे से चार्ज कर पाएंगे। आपको 3.5 mm जैक मिल जाएगा इस फोन के साथ। इसमें आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का सोनी का 686 सेंसर मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक मैक्रो सेंसर मिल जाएगा जो कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना देता है। इसमें फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल का एक शानदार कैमरा मिलने वाला है। ये फोन गेमिंग का बेस्ट फोन होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा कैमरा वाला फोन भी है। इसमें आपको ऊपर और नीचे की तरफ थोड़े बड़े बेजल्स मिलेंगे जिसके अंदर सिमेट्रिकल डुअल फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर लगा गए हैं, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार आवाज निकालते हैं, और एक फोन में इतनी वॉल्यूम आप इस फोन में जितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे बहुत ही ज्यादा होगी। एक फोन के हिसाब से वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे हमारे फोन की मेजर हाईलाइट के बारे में, जो कि है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। एंड्रॉयड इंडस्ट्री का ये बेस्ट प्रोसेसर है इस समय वर्ल्ड का, और यही इस फोन में यूज किया गया है। और ROG की हमेशा से खासियत रही है कि वो हमेशा उस टाइम तक जब वो फोन लॉन्च करते हैं तब का जो बेस्ट प्रोसेसर होता है वो वही अपने फोन में डालते हैं, और वही इस साल भी हुआ है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर मिल जाएगा जो इस समय एंड्रॉयड इंडस्ट्री का वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर है। तो गेमिंग में तो आप सोच ही सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर जाने वाली। इसमें आपको स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसमें आपको DDR5 का सपोर्ट मिलेगा रैम के अंदर, और इसमें आपको रैम के बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। जो ROG 5 फ़ोन है उसमें आपको 8GB 12GB का रैम का सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप ROG 5 Pro की बात करेंगे तो उसमें आपको 16GB की रैम मिलेगी, और अगर आप ROG Ultimate की बात करेंगे तो उन्होंने तो आगे लगा दी, आपको 18GB की रैम मिलेगी, जो कि किसी भी फ़ोन के लिए आज तक की सबसे ज़्यादा रैम रही है। आज तक 18GB की रैम कभी किसी फ़ोन में नहीं निकाली गई है। और अगर हम रोम की बात करें तो इसमें आपको 128GB 256GB और 512GB तक का सपोर्ट मिल जाएगा, और इसमें SD कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलेगा जो कि नॉर्मल हर फ्लैगशिप फ़ोन में आपको नहीं मिलता है, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है आपको। आप अपनी मर्ज़ी और यूज़ के अनुसार अपना स्टोरेज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एक 5G फ़ोन होने वाला है। इसमें स्पेशली अगर हम गेमिंग की बात करें तो इसके कंट्रोल्स के लिए जो ऊपर बटन दिए गए हैं उनके आप जेस्चर्स आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लॉन्ग प्रेस पे क्या एक्शन चाहिए, कम प्रेस पे क्या एक्शन चाहिए, कौन से बटन से क्या हो,
आप सब कुछ आराम से कस्टमाइज कर पाएंगे और अपने गेमिंग परफॉर्मेंस को एकदम बूस्ट पर ले जा पाएंगे। अगर हम अल्टीमेट मॉडल की बात करें तो उसमें आपको एरो एक्टिव कूलर का सपोर्ट मिलेगा एंड ये एक एक्सेसरी है जो आपको एक एक्सटर्नल फैन प्रोवाइड करती है जिससे आपकी कूलिंग आराम से और इजीली कूलिंग हो जाएगी फोन की और आपका फोन ज्यादा वार्म नहीं होगा। और इसमें दो बटन्स भी यूज किए गए हैं जिससे आप मैनुअली अपने कंट्रोल सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन बटन से क्या होना चाहिए जिससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम बूस्ट हो जाएगी। ये आपको PS5 की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा, आपका फोन ही आपका PS5 बनने वाला है। अगर हम थोड़ा गेम खेल के देखें तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें आप कोई सा भी गेम खेल लीजिए, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, Fortnite, कोई सा भी गेम खेल लीजिए, कितनी भी हाई सेटिंग्स पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस फोन में जरा सी भी आपको लैग महसूस हो या जरा सी भी कहीं पर भी दिक्कत आए। ये फोन बना ही गेमिंग के लिए है, इसमें सारी तरह के गेम्स आप बड़े आराम से हाई सेटिंग्स पे, फुल एंड सेटिंग्स पे बड़े प्यार से खेल पाएंगे, आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होने वाला और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस बात की बेस्ट चॉइस बाय गारंटी लेता है, आप आंख बंद करके इसे अपने गेमिंग फोन के रूप में ले सकते हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सो यहीं पर ये वीडियो हम खत्म करते हैं। बेस्ट फाइव बाय को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच।